अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो इस वक्त मैं घर हूँ, तकरीबन 4 का टाइम हो चुका है और मैं निकलने वाला हूँ रिनाला खोर्द की सरजमीन पर, मतलब यहाँ तक जाने वाला हूँ, सफ़र करने वाला हूँ बाइक पर। वहाँ पे साद हुसैन रिजवी साहब आ रहे हैं, उनका मैंने मतलब वीडियो शूट करनी है, वहाँ की महफिल मुझे मिली है और मैंने जाकर उनकी वीडियो बनानी है। तो काफ़ी सारा सफ़र है, तो लिहाजा मैं अभी निकलूँगा, तकरीबन 4:30 तक निकल जाऊँगा यहाँ से सामान अपना सारा उठा के, तो सफ़र करूँगा। तय और इशा की नमाज़ के बाद महफिल शुरू हो जाएगी, लेकिन मुझे जाना पहले पड़ेगा, सफ़र काफ़ी सारा है, फिर बाइक पे जाऊँगा तो कुछ भी हो सकता है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ। तो जो मेज़बान हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो उन्होंने कहा था कि अब थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, तो सारा सेट वगैरह जो भी होगा पहले से लगा लेंगे। और अभी मैंने तैयारी की है, सुबह मैं मतलब खुद फ्रेश तो हो गया था, लेकिन शॉप पर गया था, जो बकिया काम था करने वाला मैंने सारा कर लिया था। तो अभी फ़िलहाल चेंज कर लिए और तकरीबन मैं रेडी हूँ, अभी निकलूँगा, शॉप पे जाऊँगा, शॉप से सामान उठाऊँगा और निकल जाएंगे महफिल पे, और इंशाल्लाह मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो रास्ते का जो भी सारा टच होगा वो भी आपको दिखाऊँगा, और वहाँ पे जाके आपको जो भी मंजर होगा आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो चैनल पे इस वीडियो पे जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं। तो भाई को काफ़ी दिन हो गए थे मैं वीडियो में नहीं ला रहा था, तो आज आखिरकार फिर से आ गए। कैसे हो, क्या हाल है, क्या नाम है, क्या नाम है, मेरे क्या लगते हो, मेरे क्या लगते हो, मेरे क्या लगते हो, हाँ जी नहीं बोल सकते, हेलो, हाँ जी तो गाइस फाइनल हम आ गए हैं रनाला में, जहाँ पे हमने ज्वाइन करना था, ये स्टूडियो मतलब रिकॉर्डिंग करनी थी। ये सामने स्टेज है, ये कौन सा स्टेडियम, कौन सा जाफर स्टेडियम, ये थी तकरीब और सासन आने वाले हैं यहाँ पे। तो काफ़ी वसी इंतज़ाम है, इस तरफ सारी आवाम के बैठने की जगह सारी कब बनी हुई है, और अभी गैदरिंग नहीं हुई, लेकिन ये स्टेज काफ़ी वसी बना है, हमने सामान रख दिया था इस जगह ऊपर, और ये सारा स्टेज बना हुआ है, काफ़ी वसी जगह है माशाल्लाह, क्योंकि स्टेडियम था तो नीचे का माहौल कुछ यूँ है। ये देखिए, ये सारा नीचे का माहौल है जहाँ पे आवाम बैठेगी जो बयानात सुनने के लिए, बयान सुनने के लिए, मतलब ये सारे नीचे, और हम तकरीबन इस वक्त 30 से 40 फीट ऊपर हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत माहौल है, इस तरफ सासन की ये फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। हमने नाश्ता वगैरह खाना वगैरह किया था, खा लिया था, और उस साइड पर हमने बाइक अपनी खड़ी कर दी। दोबारा से इस गेट से हम एंट्री करें, एंट्री करने के बाद पहुंचेंगे स्टेज पे इंशाल्लाह, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, चेकअप होगा, चेकिंग होगी हमारी। आज फाइनल हम यहाँ पे से आपको माहौल दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारी सिटिंग एरिया है जहाँ पे बैठेंगे जो आवाम बैठेगी साहब साहब को देखने के लिए, सुनने के लिए। तो इस तरफ काफ़ी बड़े ज़्यादा साउंड मतलब लगे हुए हैं, ऑपरेटर बैठे हैं यहाँ पर, और इस तरफ काफ़ी सारी लाइटें लगी हुई हैं, और हम गुजर रहे हैं यहाँ से, तो हम निकलेंगे वहाँ पर, वहाँ स्टेज पे जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे हमारा सामान पड़ा है, और हम कोशिश करेंगे कैमरा वहाँ पे फिट करें, तो जिससे हम कवरेज करें, मतलब सारी ड्रोन भी ऑपरेट करें, और सब वीआईपी हो जाएगा इंशाल्लाह। फाइनल हम स्टेज पे पहुँच चुके हैं, हमें पास भी मिल गया था, क्योंकि पास के बगैर स्टेज पे आना बहुत मुश्किल था, मतलब नामुमकिन है, आना ही नहीं देते, तो हमें पास मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेज पर इस वक्त, पीछे मेरे फ्लैक्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी है, और ये देखिए फ्लैक्स, और ये चेयर वीआईपी के लिए चेयर यहाँ पे लगी हुई है, और नीचे है स्टेज, मतलब नीचे है जगह वैसे बैठने के लिए। तो सामने जो साउंड की खिदमत अंजाम दें वो लिसन साउंड वाले हैं, और हम कैमरामैन आ गए, हमारा सामान बिल्कुल रेडी है, अब इंतज़ार है हमें, अब स्टार्ट हो जाए। तो इस तरफ डाइस है जहाँ पर बयान होगा, और इस तरफ सारा हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जैसे महफिल शुरू होगी तो तब हम अपना मतलब जो काम शुरू कर देंगे, और बड़ी खुशी हुई वैसे आज ये महफिल अटेंड करके, बड़ा मज़ा आया, और इंशाल्लाह बयान सुन के और भी अच्छा लगेगा। أعوذ بالله إمام الأنبياء نبي آخر الزمان عليه تحية والصلاة
हमने पैकअप कर लिया क्योंकि साथ भाई नहीं आए थे, आना था, पता नहीं क्या मसला बना, आई डोंट नो कि सब बता रहे थे, और बड़ा अफसोस हुआ कि वो नहीं आए, सबके मतलब दिल आज़ारी हुई। हो सकता है कि वो कोई मेजर प्रॉब्लम में हों, तो अल्लाह उन्हें सेहत दे और अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे और हमें भी। तो हम तो इस नीयत से आए थे कि साथ भाई से मिलेंगे, उन्हें लाइव सुनेंगे, एक बार फिर से दोबारा उनके दर्शन होंगे, लेकिन किस्मत में नहीं था। तो फिलहाल सारा जो पंडाल था वो भी खाली हो चुका है, गैदरिंग ख़त्म हो गई है, तो स्टेज भी तकरीबन खाली है। काफ़ी वसी जगह थी यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके। तो मुझे मिले हैं कुछ दोस्त और ये सब्सक्राइबर भी बन गए हैं, तो हेलो कर। तो गाइस फिलहाल इसी वीडियो को एंड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा आज ही रात को मैं वापस लौट जाऊँ। तकरीबन 60-70 किलोमीटर सफ़र है मेरा, लेकिन मैं कर लूँगा इंशाल्लाह इजीली। तो फिलहाल पैकअप करते हैं और निकलते हैं वापसी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में पहुंच चुका हूँ। तकरीबन 80-85 किलोमीटर सफ़र था जो मैंने एक ही स्टिल में तय किया था, और एक जगह मैं रुका था, पेट्रोल डलवाया था बस। तो उसके फौरन बाद मैं मतलब काफ़ी स्पीड से आया था, तकरीबन मैंने एक घंटे सवा घंटे में सफ़र तय कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त घर में पहुँच चुका हूँ, तो अभी खाना खाते हैं, भूख काफ़ी सारी लगी है, क्योंकि लंगर महफ़िल शुरू होने से पहले थोड़ा सा खाया था, वो दोस्तों ने मतलब होटल से खिला दिया था थोड़ा सा, उस वक्त इतनी गुंजाइश नहीं थी। तो अब खाना खाते हैं और उसके बाद एडिटिंग करेंगे और वीडियो अपलोड पे लगा के फिर सो जाएंगे। तो खाने में अभी राइस बने हुए हैं, तकरीबन मेरे फेवरेट हैं, तो वो खाते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो मैं इस जगह पे एंड करने वाला हूँ। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच पापा जी, बाय बाय।